हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है दोपहर से, और दोपहर का खाना मैंने बना लिया है। और अभी मम्मी डाल रही है अचार मिर्च का। मम्मी ने अभी मिर्च काटी थी तो उन्हीं का अचार डाल रही हैं। और ये हमारे खेत से ही आई थी, थोड़ी बहुत आती रहती हैं, कुछ पेड़ हैं जो अभी भी हैं। तो मम्मी ने इसमें जीरा और राई डालकर भून दिए हैं तेल में, और इनको अभी मिर्च को फ्राई कर देंगी। इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है अचार। इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी है और नमक, ये सब कुछ डालकर इनको फ्राई कर दिया है। और अभी हमारा अचार बनकर हो गया है तैयार। आप लोग भी ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसमें एक चम्मच सिरका भी डाल दें तो इससे अचार पूरे साल चल जाता है। और मम्मी अभी बहुत ज़्यादा शौकीन है, वो डालती रहती हैं अचार। ये कपड़े वॉश किए थे तो इन्हीं की तय कर रही हैं दीदी। और इधर धूप रहती है बहुत देर तक, शाम तक यहाँ धूप रहती है। सर्दियों में हम इधर ही बैठते हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ शाम तक ही धूप रहती है और यहाँ मन भी बहुत ज़्यादा लगता है। सर्दियों हम यहीं पर बैठते हैं। और बस अभी मैं भी नहा के आई हूँ और यहीं पर बैठी थी दीदी के पास में, बातें कर रहे थे हम दोनों। और अभी मेरे याद आ गया कि आज मुझे आप लोग के साथ शेयर करना है अपनी शादी की एल्बम भी। आप लोग बोल भी रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दिन है शनिवार और आज मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपनी शादी की एल्बम शेयर। तो देखिए और बताइएगा, थोड़ी पुराने ज़माने की है, पहले ऐसे ही बनती थी। जोर से। और ये देखिए मेरी शादी की एल्बम। तो सबसे शुरू में गणेश जी की मूर्ति रहती है, तो अभी अंदर से दिखाऊँगी आप लोगों को। और ये काफ़ी पुरानी हो गई है तो थोड़ी इसकी हालत भी ख़राब सी हो गई है। वैसे रखी तो है मैंने इसको अच्छे से ही, पर फिर भी हो जाता है जब बहुत दिन हो जाते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है मंत्र, ये सभी एल्बम पे मिलेगा। ये है मेरी सबसे पहली फ़ोटो, और मेरी शादी हुई थी 9 जून 2009 में, जून में। तो ये हमारी फ़ोटो है। और पहले ऐसे ही एल्बम होती थी, अभी तो बड़े वाली बनने लगी हैं। और मेरा लहंगा था मैरून रंग का। मेरी एल्बम में बहुत सारे फ़ोटो हैं, बहुत सारे मेरे हैं, ज़्यादातर तो मेरे ही हैं। और सारे फ़ोटो हैं, जो भी फ़ोटोग्राफर जैसे भी कह के करवाते हैं ऐसे ही सारे फ़ोटो हैं। और आप लोग देखना, मुझे नहीं मालूम आप लोगों को फ़ोटो अच्छे से दिख पाएंगे या नहीं, पर फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से ही आएँ। और ये मेरे सारे फ़ोटो हैं इधर। और मेरी मेहंदी भी बहुत डार्क रची थी, बहुत तेज कलर हो गया था मेरी मेहंदी का, हाथ भी बिल्कुल काले हो गए थे मेहंदी से। तो अभी सारे मेरे ही फ़ोटो चल रहे हैं। और मेरा मेकअप भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ही गर्मी थी, मेरा मेकअप काला पड़ गया था। फ़ोटो भी खिंचवाते हुए मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और ये हैं इनके यहाँ के फ़ोटो, जो कंगना बांधते हैं पंडित जी वो। और ये मेरी ननद की बड़ी वाली लड़की थी, और इनकी गोद में थी किट्टू, मेरी जेठानी की लड़की। ये मेरी सबसे बड़ी वाली ननद है, और ये बुआ जी की लड़की है इनके साथ में। और ये बड़े वाले भाई साहब हैं जो मंडा खोद रहे हैं। और अभी मम्मी जी ले रही हैं भात, ये मम्मी जी के भाई थे, और ये भतीजे हैं। और यहाँ पर लगा रही हैं मेरी सबसे बड़ी वाली ननद बान इनको, और ये बड़े वाले भाई साहब मेरे नंदो इनको पहना रहे हैं कपड़े। और ये फोटो हैं हमारी दीदी की, ये सब दीदी हैं, और एक मेरी देवरानी है, और ये मम्मी जी हैं, और ये मेरी पूरी फैमिली है। यहाँ पर भी बाल झोल रही हैं मेरी सबसे बड़ी वाली ननंद, और इधर अंतिम दीदी हैं। और यहाँ पर ये माता का पूजन कर रहे हैं। हमारे यहाँ बारात ले जाने से पहले सभी मंदिरों में जाते हैं, बारात ले जाने से पहले घुड़चढ़ी होती है। और ये मेरा भाई अंगूठी पहना रहा है इनको। और ये मेरे सारे गहने आए थे जो ससुराल से, वही सब हैं। तो यहाँ पर मेरी मम्मी भी ले रही हैं भात, ये मेरे सबसे छोटे वाले मामा जी हैं। यहाँ पर हो रही है चढ़त, चढ़त ही बोलते हैं हमारे यहाँ। ये सारे मेरे देवर हैं और जेठ भी हैं, तो वो सब मिलकर यहाँ पर नाच रहे थे, नाचने में लगे थे। और अभी मैं जा रही हूँ माला डालने के लिए। इधर मेरी सहेली है और एक तरफ मेरे चाचा जी की लड़की है, और यहाँ पर हम डाल रहे थे माला। ये हमारा स्टेज का फ़ोटो है, और ये है फेरों का फ़ोटो। तो जितना भी हो पाया है मैंने इतने ही डाल दिए हैं। एल्बम तो काफ़ी बड़ी थी, फिर बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती, तो इस वजह से मैंने थोड़े थोड़े से करके ही फ़ोटो डाले हैं।
और ये मेरा भाई है, पैर छू रहा है हमारे। और अभी लास्ट में जब टीका होता है तो वो टीका कर रही है मम्मी, और ये हमारे कंगने के फ़ोटो जो अगले दिन कंगना खिलाते हैं उसके फ़ोटो हैं। और कंगने में हमारे बहुत ज़्यादा आफत मची थी, लहंगा और इनके कोट पैंट सब गंदे हो गए थे, इतनी ज़्यादा आफत मचाई थी मेरी जेठानी ने और हमने सबने मिलकर, तो बहुत ही अच्छा लगा था। और ये मेरे देवर जो गोद में बैठते हैं बाद में और इनको नेक दिया जाता है, तो वही सब हो रहा था। और ये फिर मेरा सबसे बाद में फ़ोटो खींचा था उन्होंने। और ये बाइक लेकर आई थी मैं, ये बाइक दी थी मुझे मेरे घर वालों ने। और ये मेरे थोड़े से करवा चौथ के फ़ोटो थे, तो वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिए हैं। ये मेरी पहली करवा चौथ के फ़ोटो हैं फ्रेंड्स। अभी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया अपनी शादी की एल्बम। 10 साल हो गए मेरी शादी को, काफ़ी पुरानी है। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी जब मेरी शादी हुई थी, गर्मी के मारे हाल ख़राब हो रहे थे। मेरी शादी हुई थी 9 जून को 2009 में, और 10 साल हो गए मेरी शादी को। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, हालत हमारी सबकी ख़राब हो गई थी। और मेरा मेकअप भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, इस वजह से मेकअप भी सारा बह गया था मेरा। और जैसी भी थी मेरी शादी की एल्बम, वो मैंने आप लोगों को दिखा दी। अब आप लोग बताना कि कैसी लगी आप लोगों को मेरी शादी की एल्बम। तो अभी कर लेती हूँ थोड़ा सा काम, वही टाइम होता ही है काम का। अभी थोड़ा सा वक्त मिला था नहाने के बाद, तो थोड़ी देर आपके साथ एल्बम दिखाने के लिए बैठ गई। और बस अभी मेरा काम करने का टाइम हो ही गया है, आप लोगों को भी पता है। और शाम के टाइम में मैं आप लोगों से बातें करती हूँ रोज़। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं मुझे कल की वीडियो पे भी। इसी तरह मेरे साथ बने रहना, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मैं आगे तक जा पा रही हूँ। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहना हमेशा। और अभी मैं काट लेती हूँ सब्जी, मैं बनाऊँगी आलू मटर। मैं कल ही जिक्र कर रही थी मटर का, और आज ही बेचने वाला आ गया तो हमने आज ही खरीद ली। और आप लोग पूछ रहे हैं कि आप अपने खेत में नहीं लगाते हो सब्जी, तो हम फ्रेंड सब्जी नहीं लगाते हैं, बस मिर्ची लगाते हैं, और मिर्च हम हर साल ही लगाते हैं। अभी मैं छील लेती हूँ मटर, और मटर मैं छील रही हूँ बाहर बैठकर, यहीं पर अच्छा लग रहा था मुझे, आराम से बैठकर मटर भी छील लूँगी। मटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जब आ जाती हैं सबसे शुरू में ले लेती हूँ मैं, मुझे बहुत टेस्ट लगती है आलू मटर की सब्ज़ी। और मैं पनीर भी बनाने की सोच रही थी, पर अभी टाइम नहीं रहा, फिर कभी बनाऊंगी। तो अभी मैं आलू मटर ही बना लेती हूँ, और काफ़ी लेट भी हो रहा है सब्ज़ी बनाने को। और वो जो सफ़र मटर होती है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, फिर भी वो बहुत दिनों तक की रखी हुई होती हैं, वो इतनी टेस्टी नहीं लगती जितनी ये वाली लगती हैं जो खेत से आती हैं इन दिनों में, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। नीचे ये सब लोग अभी अभी आए हैं, मेरी ननंद हैं और भाई साहब जी हैं, इनके साथ में और भी थे, पता नहीं कौन थे। वो आए थे यहाँ पर भैंस देखने के लिए, उनको भैंस लेनी है तो उसी को देखने के लिए आए थे। और मैं अभी आलू मटर बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पर टमाटर भी काट लिए हैं, आलू भी काट लिए हैं, और मटर भी मैंने छील लिए हैं। तो अभी मैं बनाऊँगी मटर, और मुझे एक फ्रेंड्स ने बोला भी था कि प्लीज़ आलू मटर की सब्ज़ी शेयर करें, तो आज मटर भी ले ली थी मैंने, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और आज हमारे यहाँ प्याज हो गई थी ख़त्म, प्याज वाला कोई आया नहीं था, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे सब्ज़ी बनाने को मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा प्याज मैं ही अच्छे से छोंक लगाती हूँ तभी मन करता है। और आज मैंने छोंक दिया है सब्ज़ी जीरे में, और सारे सूखे मसाले भी डाल दिए हैं। और अभी इसमें मैं टमाटर को फ्राई कर लेती हूँ, और इसमें नमक भी डाल दूँगी, इससे टमाटर अच्छे से पक भी जाएगा। और इसको पकने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी मटर, और थोड़ा सा हींग, हींग तो सब सब्जियों में डालती हूँ मैं,
ये अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नुकसान भी नहीं देती। तो अभी मैंने टमाटर डाला था, वो भी गल गया है, और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। और कलर वाली मिर्च अब हम नहीं डालते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं, डॉक्टर ने बोला था कि इसको इग्नोर करें, तो मैंने अभी ये डालनी बंद कर दी है। और अभी मैं इसमें फ्राई कर लेती हूँ मटर, अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर इसमें डाल दूँगी आलू और मेरी सब्ज़ी हो जाएगी बनकर रेडी। फिर मुझे बनानी है रोटी, अभी दूध भी उबालना है, दूध भी निकलने लग रहा है, तो इसके बाद इसको छौंकने के बाद फिर मैं दूध उबाल लूँगी अंगीठी पर। कढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, किसी दिन आप लोग कढ़ाई में बनाकर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी तो टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो जल्दी जल्दी में, तो फिर कुकर में जल्दी से बनती है सब्ज़ी, तो किसी और दिन बनाऊँगी कढ़ाई में भी, और बनाऊँगी चूल्हे पर, चूल्हे की बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है बनी हुई। तो अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही बना रही हूँ, और वैसे मैं ऐसे ही बनाती हूँ, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती हैं आलू मटर। और जब सब सब्ज़ी ले लेते हैं तो मैं मिक्स वेज भी बनाती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। आज मम्मी ने ली थी ऊन, और मम्मी निकाल रही है स्वेटर, ये अक्की के लिए बना रही हैं, अक्की के पास स्वेटर नहीं था, ऑरेंज रंग की ली थी, आप लोग बताना कि ये कलर कैसा लग रहा है। और मम्मी को बहुत ज़्यादा शौक़ है, इन दिनों मम्मी बहुत ज़्यादा स्वेटर जर्सी निकालती रहती हैं, इनको बहुत ज़्यादा शौक़ है बुनाई का। और पूरी सर्दी अभी ये ऐसे ही रहेंगी, कभी किसी का निकालेंगी और कभी किसी का निकालेंगी। और एक जैकेट इन्होंने मेरी भी बनाई थी पिछली सर्दियों में, वो मैं पहनती हूँ घर में, आप लोगों ने उसको भी देखा है। और मम्मी को तो शौक ही है ये सब करने का, हर साल किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हैं। और अक्की भी बहुत दिनों से बोल रहा था कि मेरे लिए स्वेटर बना दो, स्वेटर बना दो, तो आज ऊन वाला आ गया और मम्मी ने ले ली, और आज आज में ही थोड़ी देर में मम्मी ने इतना निकाल भी दिया। तो फ्रेंड्स अभी कर लेती हूँ आप लोगों से बातें, और आप लोग भी जानते हैं इसी टाइम मैं बातें करती हूँ आप लोगों से रोज़ सारा काम फिनिश करने के बाद। तो आज शाम के खाने में बनाई थी मैंने आलू मटर, और अभी टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं, बच्चे सो गए हैं, बच्चे जल्दी लेट जाते हैं, दिन में थके रहते हैं बहुत ज़्यादा, और इस टाइम फिर वो जल्दी सो जाते हैं, तो बच्चे सो गए हैं, मैं अभी तक नहीं सोई हूँ। और मुझे थोड़ी पैकिंग भी करनी है, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ अपने घर, और अब मुझे कुछ कपड़ों को प्रेस भी करनी है और पैकिंग भी करनी है, तो मैं अपना काम फिनिश करने के बाद ही लेटूंगी, दिन में टाइम नहीं मिलता, और दिन में टाइम भी नहीं मिलता, तो इसी वजह से अभी निपटा कर लेटूंगी अपना काम। और अभी थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, और वीडियो का एंड कर लेती हूँ, उसके बाद ही अपने काम पर लगूंगी। तो कुछ दिनों से मुझे कमेंट आ रहे हैं कि हमारा नाम ले दीजिए, हमारा नाम ले दीजिए, और मुझे कमेंट आते रहते हैं कि हमारा नाम ले, हमारा नाम ले। तो फ्रेंड्स आज भी मैं आप लोगों के नाम लूँगी, और मुझे नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे जब अच्छा नहीं लगता, जब आप फिर कमेंट नहीं करते हो, मुझे तब अच्छा नहीं लगता जब आप कमेंट नहीं करते हो, मैं आप लोगों के नाम बोल देती हूँ। बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया है अपने नाम बुलवा कर, और फिर मुझे कमेंट नहीं करते हैं, पर फिर भी मेरा दिल है कि मानता नहीं है, फिर भी मेरा दिल नहीं मानता। मैं सोचती हूँ कि आप लोग इतनी उम्मीद से मुझे बोल रहे हैं कि हमारा नाम लो, हमारा नाम लो,
तो फिर मैं सोचती हूँ कि नाम लेने में थोड़ा ही कुछ जाता है, पर बस भैया मुझे तब बुरा लगता है जब आप कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, एक मैंने जो बोल रही है कि मेरे बेटे का नाम ले लीजिए अपनी वीडियो में, उनके बेटे का नाम है कृष्णा मोदित। उनका नाम है कृष्णा मोदित और एक मैम है अनुराधा। थैंक यू अनुराधा जी, आप भी मुझे रोज़ कमेंट करती हैं। और ये कृष्णा मोदित हैं, ये भी मुझे रोज़ कमेंट करते हैं। इनकी मम्मी है शायद इनकी मम्मी है, तो वो भी मुझे रोज़ कमेंट करती हैं। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहें।